हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सभी तरह के जो मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट हैं उनको आज देखेंगे कि किस प्रकार से हम यूज करेंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी नोटपैड की। आप यहां से नोटपैड को ओपन कर लीजिएगा और इसमें सभी तरह के मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट जो भी आपको यहाँ पे हैं वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ। ये हैश एक्सक्लेमेशन के साथ जो भी आप लिखते हैं वो हो जाता है आपका कमेंट, यानी ये कोड जब चलाइएगा तो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। बाकी नीचे HTML दे देता हूँ, देन हेड दे देता हूँ, देन यहाँ टाइटल दे देता हूँ और टाइटल में दे देता हूँ मार्क्यू टैग लिख देता हूँ इसमें। और यहाँ पे अब टाइटल को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोजिंग हो जाएगी इसकी। तो टैग दो तरीके के होते हैं, एक ओपन दूसरा क्लोज, तो ये क्लोज वाले ही हैं, ये तो क्लोज होते ही हैं। अब यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन कर लूंगा। अब बॉडी पर कोई बैकग्राउंड लगाना है या नहीं ये देखना होगा, तो यहाँ पे बॉडी बीजी कलर कर देते हैं, यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ, यानी जो भी आएगा वो ग्रीन कलर में आएगा बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है मार्क्यू टैग, ठीक है। तो जितने भी मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट है, मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट जो भी मार्क्यू टैग में होते हैं उन सभी को यहाँ पर आपको बता सकूँ कि जितने भी मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट होते हैं उन सब पर हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्क्यू जो हम लगा रहे हैं, तो मार्क्यू लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा मार्क्यू। और मार्क्यू लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप बीजी कलर दे देते हैं तो ये पहला एट्रीब्यूट है जो कि मार्क्यू पर कलर सेट कर देता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ब्लू दे दिया, तो जब मार्क्यू मूव होगा, मार्क्यू मूव कराने के लिए ही लगाया जाता है, तो यहाँ पर जब ये मूव होगा ना, तो ये मूव होते वक्त जो बैकग्राउंड होगा उसका, ये बैकग्राउंड जो है ग्रीन कलर का होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर का होगा बैकग्राउंड, कैसा होगा ब्लू कलर का। तो अब यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे H1 किया और यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया काइट, ठीक है। अब यहाँ H1 को क्लोज किया और क्लोज करके फिर मार्क्यू को क्लोज किया, तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। आप देखिए इसको मैं क्लोज करता हूँ तो देखेंगे ये किस तरीके का इफेक्ट बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये HTML क्लोज हो गया, फिर यहाँ कंट्रोल एस किया तो इसको सेव कर पाएंगे हम। तो यहाँ से जा करके और इसको सेव करते हैं, तो mar.htm या .html के नाम से इसे सेव कर देते हैं। और सेव करके क्या करेंगे, अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ पे आया हुआ है, डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काइट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि ये जो काइट लिखा हुआ आ रहा है ये वाइट में आए। तो वाइट किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे फॉन्ट कलर यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर ये मार्क्यू लगाया है, यहाँ पे H1 है, अब यहाँ पे कर देते हैं हम फॉन्ट कलर। क्या लिखेंगे, फॉन्ट डैश करके कलर color और फॉन्ट कलर लिख के इज इक्वल टू जो भी कलर देना चाहें, जैसे हम व्हाइट दे देते हैं इस बार, तो ये व्हाइट कर दिया। अब यहाँ पर पहले फॉन्ट कलर, कलर तो एट्रीब्यूट है फॉन्ट का, तो यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज करेंगे, टैग ही क्लोज होता है, एट्रीब्यूट तो क्लोज होता नहीं है। तो ये जो डैश दिया है इसको हटाना है, डैश नहीं रहेगा। और अब इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब इसको चलाने के, यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप पर, डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये व्हाइट कलर में आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हमें रेड कलर में चाहिए हो और बैकग्राउंड कुछ और चाहिए हो तो क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड कुछ और चाहिए और यही चीज रेड कलर में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया यहाँ से और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद अब लिखा तो यही हुआ है, कुछ और भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ, जैसे फॉन्ट कलर यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक रेड, RED रेड कर दिया हमने। और यहाँ पे देखिएगा बीजी कलर ब्लू दिया है, तो इस बार चेंज करके मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अब रेड पे रेड अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पे येलो कर देता हूँ, फॉन्ट कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, अब इसको चलाते हैं देखते हैं क्या होता है ऐसे में। तो यहाँ से जब इसे चलाएंगे ना, तो देखिए ये जो है येलो कलर में आ रहा है, लेकिन अब इसमें हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, स्पीड भी घटा बढ़ा सकते हैं, स्पीड कैसे घटेगी बढ़ेगी उसको भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये चल भी रहा है और ये मूव भी हो रहा है, देखिए ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है और ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है उसको भी देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसी को सेम यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, यानी कॉपी हुआ था तो पेस्ट हो ही गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो है मैं इसे हटाऊंगा, यानी इसको हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या देंगे, एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे स्क्रॉल, ठीक है। क्या यूज करेंगे, स्क्रॉल अमाउंट, AMOUNT। और स्क्रॉल अमाउंट में क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 100 कर दिया है। और अब इसको सेव कर लीजिए और सेव करके अब इसको चलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन आता है, क्या इसमें होता है, इसको देखना है। तो यहाँ पर इसे सेव करके और यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं,
तो देखिए ये काफी तेजी से मूव कर रहा है, देख रहे हैं ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है, और यहाँ देखिए ये दूरी घटती जा रही है, देखिए मूव करते वक्त ये दूरी घटती जा रही है, देखिए अब यहीं तक रुक गया, अब यहीं तक रुक जाएगा, अब यहीं तक रुक जाएगा, तो इस तरीके से ये दूरी भी घटती जा रही है, ठीक है। देखिए अब ये एकदम ऐसे फिर वही शुरू हो जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, फिर थोड़ा कम दूर जाएगा, ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है। इस बार बैकग्राउंड कलर भी चेंज करता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड हो गया है, तो स्क्रॉल अमाउंट तो हमने दे ही दिया है, यहाँ पे मार्क्यू बीजी कलर भी कर देते हैं, तो ये कर दिया बीजी कलर इज इक्वल टू, इस बार क्या करते हैं व्हाइट कर देते हैं, WHITE, तो ये हो गया व्हाइट, और बाकी स्क्रॉल अमाउंट तो दे ही दिया है, तो कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चलेगा, अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर ये इस तरीके से जा रहा है, लेकिन फॉन्ट का कलर हमारा वही रह गया है, तो फॉन्ट का कलर भी बदल लेते हैं, तो यहाँ पर फॉन्ट का कलर व्हाइट है, तो व्हाइट को हटाएंगे, यहाँ पर कर देते हैं रेड RED, और रेड करके इसको कंट्रोल एस कर देते हैं ताकि ये सेव हो जाए, और सेव होने के बाद अब इसको चला देते हैं, तो देखिए रेड, अब बैकग्राउंड तो हमारा व्हाइट हो गया, फिर रेड हो गया, अब जैसे जैसे जितने दूर तक ये जाएगा उतने दूर तक ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड भी लगा रहेगा, देख रहे हैं। अब इसकी स्पीड को कम करना है तो आप यहां से जा सकते हैं और स्पीड को कम कर सकते हैं, स्क्रॉल अमाउंट को हम अगर 40 कर दें, 30 कर दें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 रख दिया है, और अब इसको सेव करके देन इसको चलाते हैं तो आप देख पाएंगे इसकी स्पीड, तो देखिए अब इसकी स्पीड स्लो हो गई है काफी हद तक, और ये किस तरीके से काम कर रहा है। आप इसको ऊपर नीचे की तरफ भी मूव करा सकते हैं अप डाउन करके, कैसे देखिए यहाँ पर आए और यहाँ पर एंटर किया, कंट्रोल भी किया, अब यहाँ पर देखिए बीजी कलर वगैरह सब हटा देता हूँ, यहाँ पे केवल कर देता हूँ क्या, यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्शन DIRECTION, मार्क्यू डायरेक्शन कर दिया, और डायरेक्शन कर देते हैं इस बार अप UP, ठीक है, और अब कंट्रोल एस करके इसको चला देते हैं, तो यहां से इसको चला देते हैं ये, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अप करने से जो है यहाँ पर अभी कोई चीज आ नहीं रही है, तो ये आएगी कैसे, देखिए एक बार इसको चेक करते हैं पहले हम, तो यहाँ पे मार्क्यू डायरेक्शन अप कर दिया है, और H1 फॉन्ट कलर व्हाइट है, और यहाँ काइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फॉन्ट कलर व्हाइट हो गया है, जिसके चलते ये पता नहीं चल रहा है, तो फॉन्ट कलर को इस बार ग्रीन कर देते हैं, अब ये ग्रीन करके सेव किया तो अब ये पता चलना चाहिए, तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर से ये जा रहा है, देखिए ये इस तरीके से आ रहा है ना, यहाँ देखिए नीचे से ये देखिए काइट निकलता हुआ आ रहा है, अगर इसी को डाउन कर देंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर अभी आएगा, ये एकदम खत्म होते हुए आएगा, देखिए ध्यान दीजिए ये आया ना यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप मार्क्यू को यूज कर सकते हैं, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड नेक्सस सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।